नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ए टू जेड कार सर्विस की इस वीडियो में। आज रनिंग वर्कशॉप में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा नॉइस का प्रॉब्लम होगा, बट एक बात तो सही है कि आप अगर वीडियो को पेशेंस से थोड़ा देखते तो कुछ ना कुछ आपको नया सिखाने की एटलीस्ट बताने की कोशिश करेंगे। इस गाड़ी में कस्टमर का इशू है, गाड़ी ओवरहीटिंग होता है और स्पेशली जब गाड़ी को एसी ऑन करके रन करते हैं तभी ओवरहीटिंग कस्टमर को पता चलता है। गाड़ी को मैंने चेक किया, अगर एज ए कस्टमर आप कहीं पर ये कमेंट करते हैं, क्योंकि बहुत सारा कमेंट हमें भी करता है कि मेरा गाड़ी ओवरहीटिंग हो रहा है तो क्या चेक करूँ, और हम लोग उसमें सिंपली रिप्लाई करते हैं, सबसे पहले आप गाड़ी का फ़ैन जो है वो घूम रहा है कि नहीं ये चेक करें। तो इसमें फ़ैन तो घूम रहा है लेकिन फ़ैन के अंदर भी दो ऑप्शन रहते हैं, फ़ैन हाई फ़ैन लो। पर्टिकुलर किसी पॉइंट में फ़ैन लो घूमेगा और कभी फ़ैन हाई घूमेगा, तो अगर इसमें से कोई एक में भी प्रॉब्लम रहता है तो तब भी आपकी गाड़ी की ओवरहीटिंग होने की चांसेस है। हाँ, वैसे गाड़ी ओवरहीटिंग के पीछे बहुत सारा और भी रीज़न होता है, लेकिन इसका जो मेन प्रॉब्लम आया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि कस्टमर को प्रॉब्लम मिलता है बट जब भी मैकेनिक को दिखाने जाते हैं तो मैकेनिक को प्रॉब्लम मिलता नहीं है। वैसा ही कुछ इस गाड़ी के साथ भी हो रहा है। कस्टमर ने बताया कि इसकी क्लस्टर मीटर में ओवरहीटिंग शो कर रहा है, लेकिन बोनेट खोल के अगर आप देखेंगे इंजन कंपार्टमेंट में कहीं पर भी कूलेंट ओवरफ्लो होके फेंकने का जैसा ओवरहीटिंग का निशान मिलता है वैसा कुछ है नहीं। बट इसमें सीरियसली प्रॉब्लम है और वो कैसे चेक करना है वो आगे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा 99 जैसे ही हुआ तो मेरा फ़ैन यहाँ पे लो ऑन दिखा रहा है, फ़ैन लो ये ऑन दिखा रहा है। बट इस कंडीशन में अगर आप फ़ैन को देखेंगे तो फ़ैन देखिए अभी भी ऑफ है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर एसी ऑन करेंगे तो फ़ैन घूमना चालू हो जाएगा। बट मैं आपको और दिखाना चाहूँगा डेटा में, अभी भी देखिए ये 105 हो गया है। जैसे फ़ैन हाई मेरा ऑन होगा तो उस कंडीशन में फ़ैन घूम रहा है। ये देखिए फ़ैन हाई ऑन हो गया 101 के ऊपर और अभी मेरा फ़ैन जो है ये भी घूमना चालू हो गया, ठीक है। अब जैसे टेम्परेचर डाउन होगा फिर जाके फ़ैन भी ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे मेरा हाई भी, से नीचे आएगा लगभग 98 या 96 में तो ये फ़ैन देखिए ऑफ हो जाएगा। हाई ऑफ हो गया और उसी कंडीशन में देखिए 96 के आसपास आ गया और अभी मेरा जो फ़ैन था ये भी अभी घूमना बंद हो गया। तो फ़ैन के अंदर जो दो पॉइंट रहता है, फ़ैन के अंदर जो मेरा दो पॉइंट रहता है वो दो पॉइंट जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है। मतलब फ़ैन लो ऑन है, इस कंडीशन में मेरा फ़ैन कम से कम घूमना चाहिए लेकिन घूम नहीं रहा है, सिर्फ हाई काम कर रहा है। अब इससे एटलीस्ट एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि मेरा फ़ैन जो है घूम रहा है, क्योंकि फ़ैन हाई और लो इस गाड़ी में इसको कंट्रोल करने का जो फीचर है, मतलब कब लो घूमेगा कब हाई घूमेगा, ये फ़ैन के अंदर नहीं है, अलग से एक बाहर रजिस्टर लगा हुआ है। तो क्योंकि फ़ैन हाई में घूम रहा है दैट मीन्स मेरा फ़ैन एटलीस्ट सही है। अब इसकी बाहर जो रजिस्टर है वो रजिस्टर एक बार चेक कर लेंगे कि क्या उसमें मेरा वोल्टेज का सप्लाई हो रहा है कि नहीं, मतलब रजिस्टर में फॉल्ट होने के कारण भी ऐसा हो सकता है, तो उसका चेकिंग कैसे होगा। अब पहले ये एयर फिल्टर हमको खोलना है, मैंने खोला, एयर फिल्टर खोलो, एक अच्छा चीज़ दिखाएंगे। देखिए एयर फिल्टर की जो कंडीशन है पूरा धूल मिट्टी भरा हुआ है और साथ साथ ये जो इसकी थ्रॉटल बॉडी है, गाड़ी बंद कर दो, गाड़ी बंद कर दो, थ्रॉटल बॉडी की कंडीशन भी आप एटलीस्ट देख सकते हैं कि ये कितना मतलब ज़्यादा मैला है इसमें, अगर मतलब समझ रहे हैं ये कितना ज़्यादा गंदा हो गया। तो अभी एयर फिल्टर खोलो, रजिस्टर जो है ये गाड़ी की ठीक यहाँ पे लगा हुआ है। अब रजिस्टर में हमको चेक करना है कि मेरा ये वोल्टेज प्रॉपरली, आप चाहे तो इस साइड भी चेक कर सकते हैं कि लो कंडीशन में इधर से मेरा जो दोनों वोल्टेज आउटपुट ये हो रहा है कि नहीं। तो मैं इसमें क्या करूँगा, तुम इसको खोलो कनेक्टर को, दे दो हमको। अब देखिए बेस्ट उपाय तो ये है कि मेरा यहाँ पे 3 पिन का ये कनेक्टर है,
ये इसकी ग्राउंड है, ब्लैक कलर की जो वायर है ये ग्राउंड है, वाइट कलर की जो है ये इसकी लो है, मतलब जब लो स्पीड में फ़ैन घूमेगा तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा, और जो रेड है इसमें हाई में आएगा। तो अभी हम एक चीज़ चेक करेंगे क्या कि क्या मेरा ब्लैक और वाइट में अगर हम मल्टीमीटर या टेस्ट लैंप लगाते हैं तो क्या 12 वोल्टेज का सप्लाई हो रहा है कि नहीं। अभी देखिए ये मेरा ऑलरेडी टेस्ट लैंप जलना चालू हो गया, और यहाँ पे मेरा फ़ैन लो का जो दिखा रहा है ये मेरा ऑन है, फ़ैन लो ऑन है और टेस्ट लैंप भी जल रहा है। दैट मीन्स मेरा अभी गाड़ी में जो ये वोल्टेज का सप्लाई है एटलीस्ट यहाँ तक सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे जो रजिस्टर, ये रजिस्टर में फॉल्ट हो सकता है। अब मेरा फ़ैन लो स्कैनर में ऑन दिखा रहा है और इस कंडीशन में टेम्परेचर 96.8 है। इस कंडीशन में मैंने इसको बाहर लगाया और इसकी वोल्टेज जो आउटपुट है रजिस्टर से वो देखिए, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कुछ नहीं है। ठीक है, ये आप चेक करके भी कंफर्म कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज नहीं है, बट मेरा फ़ैन लो जो है वो ऑन है। ठीक है, तो अब रजिस्टर चेंज करके आपको डायरेक्टली दिखा दूँ। तो ये मैंने नया जो रजिस्टर है पहले, हाँ पहले लगा के बस वो आउटपुट वोल्टेज देखेंगे। अभी रजिस्टर चेंज करने के बाद ये मेरा ख़राब रजिस्टर रखा हुआ है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे फ़ैन लो ऑन हो गया। ठीक है, और अभी जो पहले फ़ैन घूम नहीं रहा था अभी वो फ़ैन बिल्कुल प्रॉपरली घूम रहा है लो स्पीड में, और अगर हाई स्पीड ऑन होगा तो और ज़ोर से घूमेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और कुछ देर बाद ये अगर हाई स्पीड ऑन होता है, अभी देखिए ये लो स्पीड ऑन है, हाई स्पीड अभी तक ऑन नहीं हुआ। पहले जबकि हाई स्पीड ऑन होता था तभी फ़ैन घूमता था, लो स्पीड में नहीं घूम रहा था। अभी हाई स्पीड ऑफ है बट फ़ैन मेरा घूम रहा है, मतलब दो जो ऑप्शन है दोनों ऑप्शन ली प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो, छोटा सा नहीं कहेंगे। तो ये रजिस्टर ख़राब होने की वजह से एक्चुअली गाड़ी में ये ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, और इसकी प्राइस लगभग 800 के आसपास है। इसको चेकिंग करने का और एक प्रोसेस है, आप चाहें तो एक्चुएशन टेस्ट करके देख सकते हैं स्कैनर के थ्रू, और इसमें आप मल्टीमीटर से भी इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन ये भी अगर दिखाता तो और लंबा होता वीडियो। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।